हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं बताऊंगी आपको हेल्दी और टेस्टी भापले बनाने का तरीका, वो भी एकदम सरल तरीके से बनाएंगे हम। तो यहाँ मैंने 2 कटोरी ले लिया है आटा। उसके बाद यहाँ मैंने 1 कटोरी इसी के मेजरमेंट से ले लिया, 1 कटोरी सूजी। तो हमने लिया है 2 कटोरी आटा, 1 कटोरी सूजी। उसके बाद यहाँ मैंने 1/2 कप ले लिया है बेसन। उसके बाद यहाँ मैंने 2 चम्मच नमक ले लिया है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लें। उसके बाद यहाँ मैंने 1 चम्मच भर के ले ली है अजवाइन, और इसको मैं अभी अपनी हथेली से क्रश कर लूँगी। अजवाइन भी आप अपने हिसाब से 1-2 चम्मच, जितना भी आपको टेस्ट अच्छा लगता हो उतना ले लें। इस तरीके से क्रश कर दें इसको। उसके बाद यहाँ मैं 1/2 चम्मच के करीब डाल दूँगी हींग। तो यहाँ फ्रेंड्स मैंने ले ली है कप से ले लिया 1/2 कप रिफाइंड ऑयल, वो भी हम इसमें डाल देंगे। तो यहाँ इन सबको मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, देखिए इस तरीके से। यहाँ फ्रेंड्स मैंने आटे और मसाले को अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो यहाँ देखिए ये अच्छे से बाइंड हो रहा है, इसका लड्डू जैसे बन जा रहा है। तो हमारी जो भापले हैं वो एकदम खस्ता बनेंगे। इस तरीके से हम इसको आटे को उठा के और मुट्ठी में बंद करके देख लेते हैं। अब मैंने यहाँ ले लिया है पानी, और मैंने अभी 1 कप पानी लिया है। उसको मैं धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा डाल के इसका टाइट डो बनाऊंगी। तो यहाँ इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी लेके हम इसको गूंथते रहेंगे। तो यहाँ फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमारा एक अच्छा सा टाइट डो तैयार हो गया, और इस डो को लगाने में मुझे 1.5 कप पानी का यूज हुआ है। तो यहाँ फ्रेंड्स मैं इसको 10 मिनट के लिए ढक के रख देती हूँ। तो अब मैंने ले लिया है 1 पतीला, उसमें मैं डाल दूंगी पानी और इसको बॉईल करने के लिए छोड़ दूंगी। तो यहाँ मैं पानी को भी ढक देती हूँ। आटे को भी 10 मिनट हो चुके हैं रेस्ट पे, तो अब मैं इसको देख लेती हूँ। तो ये थोड़ा सा हल्का सा सॉफ्ट हो गया है, और इसको हम दोबारा से वाइंड कर देंगे इस तरीके से। और अब इसकी छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ लेंगे। तो यहाँ मैं इसके छोटे छोटे बॉल्स निकाल लेती हूँ, आप साइज अपने हिसाब से रख लें। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारी सारी लोइयाँ रेडी हो चुकी हैं। तो अब मैं अपने पानी को भी चेक कर लेती हूँ। तो यहाँ फ्रेंड्स हमारा पानी भी गुनगुना हो चुका है, हल्का गुनगुना हो चुका है ये। तो इसी स्टेज पे मैं अब डाल दूंगी अपने भापले। तो यहाँ देखिए इस तरीके से हम अपने भापले डालते जाएंगे इसमें, और जब हम डालेंगे तो ये पूरे नीचे बैठे हुए रहेंगे, और जब ये अच्छे से बॉईल हो जाएगी, पानी अच्छे से बॉईल हो जाएगा, तब भापले हमारे ऊपर तैर के आ जाएंगे। जब ये एकदम फ्लोट होने लगेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे भापले तैयार हैं। अभी आप देख रहे हैं कि सारे भापले नीचे डूबे हुए हैं। तो यहाँ इनको हम ढक देंगे 15 मिनट के लिए। हाँ 15 मिनट हो चुके हैं, मैं इन्हें खोल के देख लेती हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमारे भापले का साइज भी बड़ा हो गया है, और ये ऊपर से फ्लोट भी कर रहे हैं, इसका मतलब ये रेडी हैं। तो यहाँ मैं इनको निकाल लेती हूँ। तो यहाँ फ्रेंड्स मैंने सारे भापले निकाल लिए हैं। फ्रेंड्स यहाँ ये जो भापले का पानी बचा है, इसको आप सब्जी में यूज कर सकते हैं या दाल में भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आटे के सारे फ्लेवर आ चुके हैं। तो इससे अगर आप दाल बनाओगे तो बहुत अच्छी बनेगी, और सब्जी बनाओगे तो सब्जी भी बहुत अच्छी बनती है। तो इन भापलों को मैं 5 से 7 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। तो अब हमारे भापले ठंडे हो चुके हैं, तो अब हम इनमें कट लगा लेते हैं, देखिए इस तरीके से। तो ये 2 छोटे पीसेज में कट गए, और देखिए कितने सॉफ्ट हैं अंदर से, कटने में भी देखिए आप चिपक नहीं रहे बिल्कुल। तो अब इनको लास्ट काम रह गया है इनका, हमें फ्राई करना। तो अब हम इनको करेंगे फ्राई। तो यहाँ फ्रेंड्स मैंने घी चढ़ा दिया है, आप इसको रिफाइंड में भी बना सकते हैं। तो यहाँ हम अपने भापलों को फ्राई कर लेंगे।
तो ये हमारे भापले एकदम ब्राउन सिक चुके हैं। तो अब मैं इनको आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो यहाँ फ्रेंड्स मैंने भापलों को आपके लिए सर्व कर दिया है और देखिए हमारे खुशखुशे और टेस्टी भापले एकदम बनके तैयार हो गए हैं। दाल और चटनी के साथ आप इन्हें खाइए और मुझे बताइए आपको कैसे लगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट्स करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।